जर्मन एक्स-रे टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की अपनी पहली 48 छवियां ली। पिछले मंगलवार को जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल फिजिक्स (EMP) में हमारे यूनिवर्स की अविश्वसनीय छवियां दिखाई गईं। फोटो को जर्मन एक्स-रे टेलीस्कोप (EMS) द्वारा स्नैप किया गया था। चित्र वॉल्टर दशक दर्पण मॉड्यूल पर सभी 7 दूरबीनों से लिए गए चित्रों के संयोजन से बनते हैं। ये सही छवि की तलाश में हमारे आसमान को कस्टम अत्यधिक संवेदनशील CCD कैमरों के साथ स्कैन कर रहे हैं। जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी DLR के स्वामित्व में EMS टेलीस्कोप हमारे रात्रि आकाश की एक्स-रे छवियों को संयोजित कर रहा है, क्योंकि इसने इस महीने का संचालन 13 अक्टूबर 2019 को शुरू किया था। इनमें से कुछ आश्चर्यजनक छवियां बड़े मैगेलाने क्लाउड LMC की हैं, जैसा कि इस लेख की मुख्य छवि में देखा गया है। साथ ही 18,391-3,395 आकाशगंगा समूहों की एक जोड़ी जो एक साथ बातचीत करते हैं और जो हमसे लगभग 800 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। हमारी टेलीस्कोप की ये पहली छवियां छिपे हुए ब्रह्मांड की असली सुंदरता को दर्शाती हैं। पीटर परिडेहल ERO-ESAT के प्रमुख अन्वेषक ने एक बयान में कहा, हमारे विज्ञान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें पूरे आकाश में ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के सबसे दूर के समूहों का पता लगाने और उन्हें स्थानिक रूप से हल करने के लिए पर्याप्त संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। ये पहली हल्की छवियां दिखाती हैं कि हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। जैसा कि दूरबीन CCD कैमरे और 7 दर्पण मॉड्यूल दावा करता है कि इसकी वेधशाला अत्यधिक संवेदनशील है। परिडेहल कहते हैं कि नई खोजों की संभावना बहुत अधिक है। अब हम 10 साल से अधिक काम के फल प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि वास्तव में कितना संवेदनशील EROSITA है। टेलीस्कोप LMC पर कुछ विवरणों को पकड़ने में सक्षम था। इनमें सुपरनोवा 1987A के अवशेष, अग्रभूमि में कुछ तारे और सक्रिय गांगेय नाभिक शामिल थे। टेलीस्कोप का उपयोग केवल हमारे यूनिवर्स की अविश्वसनीय कल्पना के लिए नहीं किया जाएगा। वैज्ञानिकों को यह भी उम्मीद है कि यह अंधेरे ऊर्जा पर प्रकाश डालेगा। EMS परियोजना के वैज्ञानिक एंड्रिया मेरोनी ने एक ही बयान में कहा, विरासत का मूल्य बहुत बड़ा होगा। मेरोनी ने कहा, आज हम जो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके अलावा लाखों विदेशी आकाशीय पिंडों जैसे ब्लैक होल, गैलेक्सी क्लस्टर्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपरनोवा और सक्रिय सितारों का कैटलॉग आने वाले वर्षों के लिए खगोलविदों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। EMS को इस साल 13 जुलाई को कजाकिस्तान स्थित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। यह एक रूसी और जर्मन सहयोग मिशन स्पेक्ट्रम रोएंटगेन गामा SRG का हिस्सा है।